चांद बना के नहीं रखिए, बेटी को सूरज बना के रखिए कि जो भी गलत निगाह से देखे उज्जल कर भस्म हो जाए। ठीक है, आज वही काम किए हम सूरज की तरह हर एक घर में जाकर के रोशनी देने का काम किए। शुरू में चले थे खाते पीते, इस तरीका से आगे बढ़े, हमको डीएक्शन का कैरियर समझ में आया और हमें जो पल पल सपोर्ट किए, एक एक बात को सिखाए, उंगली पकड़ के चलना सिखाए। आज अगर उनको अगर हम बात करें, आज जमीन पे पड़े, पता नहीं इस दुनिया में हम जितना होते या भी ना होते, लेकिन आज उनके कृपा से आज जमीन पे नहीं, बेड पर नहीं, बेड पे पड़ा हुआ आज इंसान, आज उनके वजह से स्टेज पर है। वैसे गुरु माता पिता करम दाता भाग्य विधाता पल पल सपोर्ट करने वाली, यानी कि उनको हम सादा चरण स्पर्श करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। धर्मशीला मैडम सुरंदर सर, चलिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली। मैम जी के पास आवाज नहीं जाएगा क्योंकि हम सभी लोग बिहार शरीफ के पावन धरती से, आज वहां अगर हम नहीं जाते तो आज मेरा जिंदगी नहीं बदलता। आज देखिए हम डीएक्शन को करते जाते हैं, मेरे मैम जी बताते हैं कि आप तो एक दिन इतना अच्छा काम होगा, डीएक्शन से अच्छा कोई काम नहीं है, और डीएक्शन से आसान भी कोई काम नहीं है। इससे मुश्किल तो हमको लगता है रोटी बनाना में हाथ जल जाता है, लेकिन डीएक्शन में हाथ जलता है, पैर जलता है, कुछ होता है, इतना एंजॉय आता है, मस्ती आता है, सब जगह दुख ही दुख होता है, डीएक्शन में आने का सारा दुख भूल जाता है। इतना सुंदर परिवार। अच्छा यहाँ पे आप सभी लोग कितने लोग हमको पहचानते हैं? इतना लोग, सोचिए, चलिए आप सभी के लिए भी जबरदस्त ताली होनी चाहिए। एक दिन ऐसा समय था कि मेरा गांव समाज भी हमको पहचानता नहीं था, सिर्फ परिवार वाले पहचानते थे। आप ही तक हम बताते, मेरे गांव वाला पूरा नहीं हमको पहचानता कि किसकी बच्ची है, लेकिन डीएक्शन के माध्यम से आज गांव में ही हर एक गांव में, हर एक जिला में, हर एक स्टेट में पहचान है, तो सबसे बड़ा पहचान मिला। कभी हम सोचे भी नहीं थे कि हमको इतना बड़ा पहचान मिलेगा, लेकिन सही बात है जो गुरु जी बताते हैं, यानी ब्रह्मा का लकीर होता है। अगर आप सफल सिंगर का हाथ पकड़ लीजिएगा आज एक बात को मानते हैं, क्योंकि हमको पता है दिन भर नहीं रहने बोल सकते, क्योंकि हमसे ज्यादा दर्द मेरे गुरु जी का होता है कि मेरे बच्चे को क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, जब आपके पास करना चालू करिएगा तो देखिए, एक तरह से मान लीजिए इधर क्या है समस्या और इधर क्या है लक्ष्य। अगर आप समस्या की तरफ सर करके देखिएगा तो आपका लक्ष्य भुला जाएगा, अगर लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिएगा आपका समस्या भुला जाएगा। कभी याद आएगा कि मेरे जिंदगी में कितना बड़ा समस्या है, तो मेरे साथ भी बड़ा बड़ा समस्या आया, लेकिन हम कभी उसका टेंशन नहीं लिए। आज देखिए नरेश नहीं किए डीएक्शन तो बहुत खुशी की बात है, आज पति जी भी बहुत बढ़िया मिले डीएक्शन के कारण। सर अगर डीएक्शन नहीं होता तो अच्छा हस्बैंड भी नहीं मिलते, इतना सपोर्ट करने वाले, पता है ना, नौकरी करते हैं जो भी आदमी काम करते हैं तो पत्नी को उंगली पर बहुत सारा लोग ना चाहते, सभी लोग ऐसा नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसा होते, हम सबको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पाचन अंगुली प्रकृति का देन है, एक जैसा नहीं है, तो सभी इंसान एक जैसा भी नहीं हो सकते। लेकिन हम अन्नारायण से हम सोचते थे हमको पति जी के पैसा पर राज नहीं करना, पैसा हो मेरा, घमंड हो मेरे पति जी का, ठीक है, ऐसा हमको लगता था। क्योंकि हम घर में बचपन से बहुत गरीब घर में हम बिलोंग करते हैं, मेरे पापा जी मजदूरी करते थे, किसी का दुकान में काम करते थे, किसी भी तरह 10-15 हजार रुपया जाता था, और जितना ज्यादा पैसा आता था उससे कई गुना ज्यादा बीमारी में खर्चा होता था। तो हमें देखते थे अपनी मम्मी को, दादी को, आंटी को जब पैसा मांगती थी कि कुछ सामान के लिए दीजिए, तो 100 रुपया मिलता था तो 100 रुपया का हिसाब देना पड़ता था, आखिर कहाँ का है खर्चा की। अगर एक के दिन बीच में मांग लेती थी तो बोलते थे कि तू सब कमाई पड़े तब ना पता चलेगा,
हमको भी ऐसे ही पैसा मांगेंगे तो ऐसे ही जवाब मिलेगा कि पैसा क्या करेगी। अच्छा, हम सबको पैसा की जरूरत नहीं है, है कि नहीं है? बस वहाँ मार्केट भी जाते थे तो अपना इच्छा का कपड़ा खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन आज ऐसा है कि जो मन करेगा वो खरीद सकते हैं। आज देखिए डिएक्शन नहीं करते तो आप सभी लोग को पता होगा कि अभी बेटा को भी बीए पढ़ाते हैं, इंटर कराते हैं, बेटी को भी इंटर बीए कराते हैं, लेकिन बेटा वाला दहेज लेता है, बेटी वाला दहेज गिनता है। क्या सही है या गलत है? गिनते कि नहीं गिनते हैं? लेकिन क्यों आज इंसान को सीरत से नहीं सूरत से देखा जाता है? अगर अगर सभी को सीरत से देखा जाए, हर एक लड़की के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है। अच्छा, तो कितने लोग लड़की लोग हैं इतना सारा? क्या आप सभी लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं कि करोड़पति बनाना चाहते हैं? क्या बनाना है कि मन में छा गया डिएक्शन कि डिएक्शन से अच्छा करियर कहीं नहीं मिलेगा? आज देखिए डिएक्शन किए, मेरा 40,000 का जब बोनस आया, यानी हम डायमंड बनते हैं, तो जब मेरे पिताजी लेकर जाते हैं रिश्ता, तो पहले जो मेरा रिश्ता कट रहा था, मेरा पैसा देख करके एक बार में सेट हो जाता है। सोच लीजिए पैसा में कितना बड़ा पावर है, क्योंकि उस समय सर के पास कोई काम नहीं था, ये नौकरी का तैयारी कर रहे थे और हम उस समय 40,000 ऑलरेडी कमा रहे थे डीएक्शन के सिस्टम से। सोचिए तो पावर है कि नहीं है? आज उसी का नतीजा है कि मेरी सासू माँ ससुर जी सब लोग सपोर्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है पैसा है बुद्धि, न है पैसा न है बुद्धि। यानी पैसा रहता है ना तो बुद्धि खुलता है, और नहीं पैसा रहता तो शुद्धि लेना पड़ता है, पड़ता है ना? तो डीएमएल के गुरु से आप क्या कीजिए, बुद्धि लीजिए कि कभी जीवन में शुद्धि भरना नहीं पड़ेगा। आज देखिए कि आज मेरा जो शादी भी हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारे लोग परमान में भी है, मेरे शादी में भी गए हुए थे, सबके शादी में कोचिंग मिलता है, लिफाफा शरबत से गिलास से कटोरी से यही नहीं मिलता है, लेकिन मेरे शादी में इतना पैकेज मिला कि गांव वाला के आंख फड़ा के फड़ा रह गया। सोच लीजिए सबको लग रहा था कौन काम करता है, आज मेरे गाड़ी जो बराती का जो गाड़ी आया था, सर जो गाड़ी लेके आए थे उससे ज्यादा गाड़ी था डीएक्शन वाला सब इंजीनियर का। सोचे कितना अच्छा खुशी मिला, हम कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि इस तरीके से मेरा शादी होगा। क्या सोचे होंगे हम कभी? सोचे होंगे क्या आप लोग? कभी लगता है कि मेरा भी शादी ऐसे ही हो कि पूरा दुनिया देखे और क्या करेगा? इसीलिए कहता है ना कि जो डीएक्शन करेगा उसको सब कुछ हाथ में मिलेगा, क्योंकि डीएक्शन अनोखा है, इसको किसी ने नहीं देखा। इसका रिजल्ट भी आता तो अजूबा, इसका कारनामा भी होता है तो अजूबा। इतना पैकेज मिला ना कि मेरी मम्मी बोली चलिए मियां हाथ में कुछ करे, जो बड़ा वाला टोकरी होता है उससे दो टोकरी, तो सब लोग ससुराल में भी बोले कि सब चीज आता है, फूलवा कुछ लगी आया है, मतलब हम लोग को समझ में आया कि फूल क्या। अच्छा, मेरे गांव वाले जो हम पर ताना मारता था, जो कहता था कि फलना का बेटी बर्बाद हो गया है, पता नहीं कहां जाता है पढ़ लिख के, गांव में गांव में कोची बेचने चलता है, चाय बेचने चलता है। क्या बेचने चलता है? अच्छा, चाय बेचते हैं, हम सब चाय बेचते हैं, लोगों को जिंदगी को चेंज करते हैं, कर भला तो हो भला, लोगों को भला करते हैं तो उल्टा में लाभ मिलता है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई दीदी चाची पेट पर मोटे रहने को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर आप किसी का दर्द को अपना दर्द बना लेते हैं और उसके बदले आपको मान सम्मान दो